हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर ब्राइटर माइंड्स यूट्यूब चैनल। जिस तरीके से क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ी हैं वो एक बड़ा कॉस्ट है एक रिटेल सेगमेंट के लिए, और कंट्री वाइज भी एक बड़ा कॉस्ट पड़ता है क्योंकि इंडिया जो है वो क्रूड काफ़ी बड़े अमाउंट में कंज्यूम करता है, थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है। तो पॉलिसी वाइज जो फोकस है गवर्नमेंट की वो क्लीनर फ्यूल की तरफ है और ग्रीनर फ्यूल की तरफ है। उसका एक दूसरा साइड इम्पैक्ट भी है कि पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू जिस तरीके से हर कंट्री को अपने कार्बन फुटप्रिंट कम करने हैं 2030 तक 50% से, तो वो भी एक माइंडसेट है गवर्नमेंट की तरफ से कि वो क्लीनर फ्यूल की तरफ अडॉप्शन बढ़ाएं। तो आज हम वैसे ही एक कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जो टू व्हीलर सेगमेंट के अंदर में प्रेजेंट है, क्लीनर फ्यूल वाले सेगमेंट के अंदर में प्रेजेंट है। बेसिकली ग्रीप्स कॉटन लिमिटेड के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाता है। ग्रीप्स कॉटन लिमिटेड जो है वो अपनी जो ईवी की सब्सिडरी है उनकी ग्रीप्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड उसके थ्रू एंड बेस्ट वे एंड एलए के थ्रू टू व्हीलर ईवी सेगमेंट के अंदर में प्रेजेंट है और थ्री व्हीलर ईवी सेगमेंट के अंदर में प्रेजेंट है। बेसिकली एम्पियर इनका ब्रांड है टू व्हीलर का जो काफ़ी अच्छी ट्रैक्शंस पकड़ रहा है इंडिया के अंदर में। इनकी जो मार्केट शेयर है तकरीबन 13-14% के आसपास की मार्केट शेयर है और फोर्थ लार्जेस्ट प्लेयर है ईवी स्कूटर सेगमेंट के अंदर में। कंपनी की लार्जेस्ट ईवी मेगा साइट जो है वो रानीपेट में है और कैपेसिटी वाइज देखे तो 2.5 लाख की कैपेसिटी है कंपनी की एक शिफ्ट में बनाने की, और अगर दो शिफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो तकरीबन 5 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं ये एनुअली। कैपेसिटी वाइज काफ़ी बड़े प्लेयर हैं एंड जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड इंडिया में बिल्ड हो रही है और एवरी ईयर जो चेंजेस हो रहे हैं नंबर्स के अंदर में उसको लेके सर्व करने के लिए कंपनी काफ़ी वेल प्लेस्ड है। कंपनी ने तकरीबन 80,000 यूनिट्स सेल किए इन ईयर 2022 और इनकी जो रेंज है एम्पियर जो स्कूटर है इनका उसकी रेंज जो है वो 100 किलोमीटर्स की है और टॉप स्पीड जो है वो 77 किलोमीटर पर आवर के रेंज में है। कंपनी की जो प्राइसिंग है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल पे है और कंपनी जो है वो प्लान कर रही है कि बिलो 80,000 जो है उस सेगमेंट को भी टारगेट करे और आगे वाले सेगमेंट जो 1 लाख से अबव का जो प्रीमियम सेगमेंट है उसके अंदर भी वो नए मॉडल्स लॉन्च करने की टारगेट में है। अगर FY22 की बात करें तो एम्पियर स्कूटर्स ने तकरीबन 522 करोड़ का सेल्स किया था और 34 करोड़ का लॉस किया था। हालांकि Q4 FY22 में EBITDA लेवल पे ये पॉजिटिव टर्न अराउंड किया इन्होंने और PBT लेवल पे भी मोरलेस पॉजिटिव हो गए हैं। एम्पियर जो उनकी डिवीज़न है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की वो काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन दे रहा है इस कंपनी को। इन ईयर 2023 क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं इस कंपनी के ग्रोथ को लेके, कंपनी ने अभी ऑटो एक्सपो 2023 के अंदर में 6 नए मॉडल्स शोकेस किए जहाँ पे इन्होंने टू व्हीलर और थ्री व्हीलर सेगमेंट के मॉडल्स को शोकेस किया। कंपनी ने एम्पियर के नए मॉडल्स भी शोकेस किए जो कंपनी का मानना है कि इसी क्वार्टर में वो कंपनी उसको लॉन्च कर देंगे और रिमेनिंग प्रोडक्ट्स जो है वो FY24 में लॉन्च करेंगे। कंपनी ने ईवी पावर ट्रेन के अंदर में भी अपनी एंट्री के प्लान्स बना रखे हैं। वहाँ कंपनी का अपना प्लान ये है कि सारे OEMs के लिए ईवी पावर ट्रेन बनाए। कंपनी डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करना चाहती है, इन हाउस मैन्युफैक्चर करना चाहती है कंपोनेंट्स का जिससे इनका कॉस्ट रिड्यूस हो, तो वो भी एक काफ़ी बड़ा ट्रिगर हो सकता है कंपनी के लिए। कंपनी जो है वो B2B और B2C सेगमेंट के मिक्स को भी टारगेट कर रही है। कंपनी ने अपना फोकस जो है वो B2B सेगमेंट के अंदर में भी काफ़ी बढ़ाया है। कंपनी के पास जो है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के अंदर में अगर हम बात करें तो एक ठीक ठाक फंड इनके पास एलोकेटेड है। इन्होंने 1500 करोड़ रुपये एलोकेट कर रखे हैं जहाँ पे अपनी ब्रांड पोजिशनिंग, अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसके थ्रू बेटर पेनिट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रीप्स मोबिलिटी ने सीमेंस एक्सेलरेटर के साथ भी टाई अप किया है, उनके सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करेंगे जहाँ पे ये फास्टर ईवी की लॉन्च एंड डिज़ाइनिंग में इनको हेल्प करेगा। कंपनी ने हर गली ईवी का भी जो अपना कैंपेन है वो काफ़ी अग्रेसिवली उसको रन कर रहे हैं एक ब्रांडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी जो है वो करेंटली 90% अगर हम देखें तो टू व्हीलर से इनका आता है इन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी डिवीज़न, एंड विद लॉन्च ऑफ थ्री व्हीलर्स कंपनी जो है इस मिक्स को चेंज करना चाहती है और FY24 में इनके टारगेट्स जो हैं वो तकरीबन 20% का है, तो बेसिकली 80% टू व्हीलर से एंड 20% थ्री व्हीलर्स ईवी से इन रेवेन्यू लाने का इनकी अपनी प्लानिंग्स हैं। ग्रीप्स कॉटन ने अपनी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी डिवीज़न को लेकर फोकस जो है वो काफ़ी बढ़ा लिया है। हम जैसा कि हम सभी जानते हैं मई 2022 में इन्होंने नए CEO संजय बहल को अपॉइंट किया था इलेक्ट्रिक मोबिलिटी डिवीज़न के लिए। वो काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू आते हैं, रेमंड्स के एक्स CEO भी रहे हैं वो।
अरूप बासु को भी डिप्टी सीईओ अपॉइंट किया था उसी टाइम पीरियड के अंदर में। वो उन मोबिलिटी के अंदर में उनकी काफ़ी अच्छी डोमेन नॉलेज है। टाटा मोटर्स के अंदर में एक इम्पॉर्टेंट मैनेजेरियल पोजीशन पे थे, एंड इन टाटा केमिकल ही वाज द चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। तो काफ़ी अच्छा एक मैनेजमेंट चेंज के बाद जो कंपनी की फोकस है वो काफ़ी बिल्ड हो रही है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी डिवीज़न पे, जो कि आने वाले टाइम्स में गेम चेंजर साबित हो सकती है। अगर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लॉन्ग रनवे की बात करें तो इंडिया के अंदर में भी काफ़ी स्कोप है, बिकॉज चाइना में जो टोटल व्हीकल सेल्स होते हैं 25% सेल्स जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का होता है। इंडिया में अभी वो जो परसेंटेज है वो 4.7% का है, तो काफ़ी लो पेनिट्रेशन है, काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे। अगर 2020 की बात करें तो वहाँ से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का एडॉप्शन है वो काफ़ी फास्ट हुआ है। वो 0.6 से 4.7 की जो जर्नी है इन 2 ईयर्स वो कमेंडेबल है, और आने वाले टाइम में ये अडॉप्शन और भी फास्टर होने के चांसेस हैं, जिस तरीके से कॉस्ट की पैरिटी जो है वो कम हो रही है। अगर इंडियन ईवी मार्केट की बात करें तो तकरीबन 7 लाख यूनिट्स जो है वो एक्सपेक्टेड है इन FY23, और आने वाले टाइम्स में इन FY24 तकरीबन 13 लाख यूनिट्स सेल करने का अपना एक एक्सपेक्टेशन है मार्केट का। गवर्नमेंट की फेम टू पॉलिसी एक बड़ा टेलविंड है इस सेक्टर के लिए। गवर्नमेंट ने इसके टाइमलाइंस भी एक्सटेंड कर दिए हैं, 31 दिसंबर 2024 तक फेम टू की सब्सिडीज़ मिलेगी, तो पर्टिकुलरली टू व्हीलर सेगमेंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग टेलविंड है। ओवरऑल ग्रिप्स कॉटन एज अ कंपनी की बात करें तो कंपनी के मेजर बिजनेसेस के अंदर में डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, आफ्टर सेल्स एंड सर्विसेज, रिटेल जो है वो इसके मेजर सेगमेंट्स हैं। नॉन ऑटोमोटिव सेगमेंट के अंदर में भी डीजल इंजन को लेकर कंपनी काफ़ी अग्रेसिव है। डीजल इंजन जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ थ्री व्हीलर्स डीजल इंजन जो है, तकरीबन सारे थ्री व्हीलर्स कंपनीज जो हैं डीजल बेस्ड उनके साथ इनके टाई अप्स हैं। कंपनी ने नॉन ऑटोमोटिव सेगमेंट के अंदर में भी अपने फोकस को बढ़ाया है। जेनसेट सेगमेंट के अंदर में फोकस वो बिल्ड कर रहे हैं, एंड फार्म इक्विपमेंट्स के अंदर में भी देखे तो फार्म जो इंजन्स हैं उसके अंदर में भी कंपनी ने अपना फोकस को इनक्रीज़ किया है। मरीन इंजन्स के अंदर में भी कंपनी ने अपने फोकस को बिल्ड किया है। अगर हम FY22 के सेल्स की बात करें तो कंपनी ने 1700 करोड़ का सेल्स रेवेन्यू किया था, और 35 करोड़ का कंपनी को लॉस था। 62% जो है वो मेजर इनके थ्री व्हीलर जो इंजन हैं उस सेगमेंट से आया था, और 31% जो है वो ई मोबिलिटी के थ्रू आया था। अगर हम ज्योग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखें तो 97% जो रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया वो डोमेस्टिकली किया, रिमेनिंग 3% जो है वो ओवरसीज मार्केट से कंपनी को आया है। वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से अगर हम ग्रिप्स कॉटन को देखते हैं तो अब्दुल लतीफ जमील जो इन्वेस्टमेंट फर्म है उसने इस कंपनी के अंदर में तकरीबन $150 मिलियन इन्वेस्ट किए थे फॉर 35.8% स्टेक, जहाँ पे इन्होंने जो सेल्स का 3.4x वैल्यू पे किया था, और कंपनी के का जो वैल्यूएशन इम्प्लाइड वैल्यूएशन आया पोस्ट जो इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन 3500 करोड़ रुपीज़ के अराउंड का आया फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी डिवीज़न। ग्रिप्स कॉटन के अगर वैल्यूएशन मल्टीपल की बात करें तो कंपनी जो है वो करेंटली 1.3x मार्केट कैप टू सेल्स पे ट्रेड कर रही है। हिस्टोरिकली जो है वो कंपनी 1.8x सेल्स पे ट्रेड करती रही है। तो जिस तरीके से फंडामेंटल इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं इस कंपनी के अंदर, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, और कंपनी जिस तरीके से एग्रेसिवली टू व्हीलर सेगमेंट के अंदर में, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिक वाले सेगमेंट के अंदर में फोकस कर रही है, तो वैल्यूएशन री रेटिंग होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रांग बनते हैं इन 2023। सो 2023 इज़ लाइकली टू बी अ गुड ईयर फॉर द कंपनी, जहाँ पे बहुत सारे ट्रिगर्स हैं कंपनी के लिए विद न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च, और जिस तरीके से M&A एक्टिविटी के लिए कंपनी ने अपने इंटेंशंस जारी किए हैं, इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन के अंदर में अपने प्रेजेंस को इंडिकेट किया है, तो ओवरऑल एक वैल्यूएशन री रेटिंग होने के प्रोबेबिलिटी काफ़ी लगती है, बिकॉज वैल्यूएशन कम्फर्ट भी है इस कंपनी के अंदर में। तो कंपनी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आने वाले टाइम के लिए बन सकती है। आई होप कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन को प्रेस करिए, सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन एज क्विकली एज वी अपलोड द न्यू स्टॉक कवरेज। थैंक यू।